हेलो, स्वागत है आपका अपना करुणा चैनल पे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया जो रिक्रूटमेंट है आपका, उसके रिगार्डिंग आज हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगा, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ATCAO और जनरल अपना टेक्निकल, राइट, जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट आया है, तो उसके लिए हम देखेंगे आपका एग्जाम डेट क्या है। और फाइनली जिसका आप वेट कर रहे थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस है तो वो कैसे होंगे, ठीक है, उसको ऑनलाइन क्लासेस नाम जस्ट इधर लिखा है, लेकिन वो आगे जाके आपको पता चलेगा वो कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में आराम से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप जस्ट अभी रेडी हो जाइए, ओके। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, 14 जन तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म का, ओके। और फॉर्म के लिए आपको सब पता है क्या है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है, जैसे कि आपने देखा, उसको ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर डाउट जो है फॉर्म के रिगार्डिंग पूछो और फॉर्म भरो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी आज के वीडियो में, हम देखेंगे पहले, ओके। सो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एग्जाम डेट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आपका एग्जाम डेट अभी ऑफिशियली तो कुछ आपका अनाउंसमेंट नहीं है, बट इधर अपना जो टारगेट डेट है वो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिपरेशन करना है, ठीक है, जो सीरियसली बेसिकली प्रिपरेशन करना है, कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किधर तक अपने को सब चीजें, मतलब सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए एक टारगेट डेट और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, तब तक आप प्रॉपरली करो। तो आपका जो बेसिकली एग्जाम होगा वो आपका होगा मार्च के फोर्थ वीक, मतलब लास्ट वीक में, ठीक है। तो मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, उससे पहले लगता नहीं, 4th मार्च से पहले बाद में होगा, ठीक है, मतलब लास्ट वीक से पहले। तो मतलब आपके पास लगभग अभी 80 डेज है, लगभग, अगर आज से पकड़ू मैं, ठीक है, अभी से। तो इसके रिगार्डिंग जो मेंटरशिप प्रोग्राम है AIATC और AO के लिए, उसके उसका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ओवरव्यू क्या है बेसिकली, क्या होने वाला है प्रोग्राम में, कैसे रहेगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली बहुत सारे आप लोग जो है वेट कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, ऐसे कुछ भी करके ऐसे कोर्स लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली एक पेड कोर्स जैसा आपको बाकी कंपनीज देते हैं वैसा नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये अपना कंपनी है, जस्ट एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, पूरा आपका गाइडेंस रहता है आखिर तक। और ये अपना ऑनलाइन सेकेंड मेंटरशिप प्रोग्राम है बेसिकली, जो फर्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा हुआ हमारा, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए थोड़ा टाइम लगा प्रॉपर प्लानिंग करने में, क्योंकि जो आपका 90 डेज का प्लानिंग है प्रॉपर होना चाहिए सब, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट मेरा एम जो है वो ये रहेगा कि 355 वैकेंसीज जो है वो इधर से, मतलब अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट ही उसमें आए, ठीक है, भले आप इसमें हो मेंटरशिप प्रोग्राम में या ना हो, ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको पता चलेगी, लेकिन अल्टीमेट टारगेट यही था। तो एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है और इसके रिगार्डिंग टाइम लगा, एंड यस, टाइम इतना भी नहीं हुआ है, आराम से अभी भी हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, जो एक डेडिकेटेड मटेरियल आपको मिलेगा वही अच्छे से आपको करना है, जो आपको गाइडलाइंस दिए जाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट थिंग मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हमारा, सेकंड मेंटरशिप प्रोग्राम है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, उसमें जो मेरा फर्स्ट जो अपना प्रोग्राम का USP है वो है आपका पर्सनलाइज प्लान बेसिकली। तो पर्सनलाइज प्लान क्या है कि आपके हिसाब से, ठीक है, अभी देखिए ऐसा नहीं है कि एक अभी मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ वो एक जनरल व्यू होता है, ठीक है। तो ये जो पर्सनलाइज प्लान है ये आपके हिसाब से प्लान होगा, आपका जी क्या रूटीन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले, मतलब बहुत सारी चीजें हम मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, डेली आपका रूटीन क्या रहेगा। तो ये सभी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रैटेजी जनरल वीडियो तो मैं डालता ही हूँ सबके लिए, लेकिन ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी चीजों सभी जो लोग हैं उनका अलग अलग रूटीन है, कुछ जॉब जा रहे हैं, कुछ कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब काम कर रहे हैं, कुछ ट्यूशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वैरायटी ऑफ लोग हैं, इसे एस्पायरेंस है AI के लिए, तो इसलिए उनके लिए ये स्पेशल है पर्सनलाइज प्लान पहले होगा, ठीक है। बाद में जो आपके वीडियो लेक्चर्स, ऑब्वियसली वो तो देने पड़ेगा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए, तो आपके वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो आपके एप्लीकेशन पे होने वाले हैं, जो हमारा डेडिकेटेड और सिक्योर प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन, उसके होने वाला है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें, ये अभी ऐड हुआ है कि जो आपका डेली क्विज है बेसिकली, ठीक है, और ये जब आप देखोगे तो मतलब बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया अभी इसमें ऐड करने के लिए। इसलिए जस्ट टेस्ट सीरीज क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें मैंने प्लान किया क्या है, टेस्ट सीरीज आपका ओवरऑल रिविजन होगा, ठीक है, ओवरऑल रिविजन, और डेली क्विज आपके अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग मतलब जैसे भी घुमाएगा TCS, ठीक है, TCS आपका एग्जाम लेने वाला है, और TCS के पीछे मैं 8 सालों से लगा हूँ, ठीक है, तो मतलब पता है एक्चुअली कि कैसे, मतलब उसका तरीका है। और जो निकुम सर कंसेप्ट कॉर्नर अपना जो दूसरा चैनल है, उधर आप लेक्चर देख ही रहे होंगे, आई होप, GK जो स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बताया है वैसे, तो
उसको हम इधर टारगेट करने वाले स्पेसिफिक इसको, ठीक है। मतलब इसमें हम डीप आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में आपको फोकस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम से पहले आपका एक मंथ है, वन मंथ, ठीक है, उसमें दिमाग में सिर्फ वही कंसेप्ट जाने चाहिए ज्यादा बार जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम में 80% वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज और क्विज जो आपके आएंगे, क्विज, ठीक है, इसके लिए अलग नाम सोचना पड़ेगा, बाद में देखूंगा, अभी जस्ट क्विज नाम दे देता हूं। तो इसमें क्विज में भी क्या है, 50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल डेली, ठीक है। तो इसमें 50 क्वेश्चन में क्या क्या होगा आपका, सभी जो आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के छोड़ के, नॉन टेक सेक्शन के लिए बेसिकली ये है, ठीक है। और फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए आपको जितना भी है टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस शीट वो भी सब रहेगा, तो उसमें इनफ है जो भी आपके लिए है। तो इसमें 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, 10 10 10 ऐसे रोज आएंगे, ठीक है। तो आपके ये सब्जेक्ट से आपको सिलेबस पता है, ऑब्वियसली आपने प्लेलिस्ट देखा है, प्लेलिस्ट सेव करके रखो अपना, इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स, जो भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले प्रॉपर, ठीक है, प्रिंटेड कुछ नहीं होगा, सब हैंड रिटन ही होगा। और ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने नोट्स भी बनाइए साथ में, राइट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि अपने लैंग्वेज में जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी हैंड रिटन नोट्स हम दे रहे हैं, ठीक है। बेस्ट रिसोर्सेज जो है, मतलब जितने भी फिजिक्स मैथमेटिक्स जितने भी बुक्स हैं इसमें नॉन टेक के लिए भी, तो उसका पूरा कंपाइलेशन इसमें होने वाला है, ठीक है। जस्ट अभी इसमें क्या है एआई के लिए, कि जैसे आपको पता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े होंगे उनको पता है कि हिंदी एंड इंग्लिश का अपना एक रहता है, दोनों लैंग्वेज में रहता है, बट इस बार टाइम कम है, ठीक है, और मतलब दोनों चीजें मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, इसलिए सिर्फ अपना जो वीडियो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में ही होगा कोर्स का, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन मतलब वो टेक्स्ट तो इंग्लिश ही होगा, लेकिन वीडियो लैंग्वेज भी इंग्लिश में होगा, वो हिंदी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये नहीं करना है मुझे, जस्ट बोल देना है और फिर बाद में मैं अगर प्रॉपर नहीं डिलीवर कर पाऊँ तो फिर इश्यू है, राइट, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा उसमें, इसलिए। और इसलिए अपना जो वीडियो कोर्स है लैंग्वेज है अपना इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश भी ऑब्वियसली हम अभी क्या फॉरेन का इंग्लिश तो बोलते नहीं, नॉर्मल अपना इंग्लिश रहता है, ठीक है, तो उतना तो आपको समझता ही है, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं होगा। लेकिन ये आपको लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था, क्योंकि ये हिंदी वीडियो में आपको लगेगा कि हिंदी में भी कोर्स है लेकिन वीडियो लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑब्वियसली डाउट सॉल्विंग हम हिंदी में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डेज बहुत कम है एक्चुअली, अगर 6 महीना भी होता तो आपको पता है मैं कर लेता दोनों लैंग्वेज में, और एक्चुअली सब्जेक्ट भी मुझे सब लेने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के लिए बेस्ट फैकल्टीज जो मुझे टाइम लगा, मैं आपको बोल रहा था, तो 15 डेज मुझे लगे हैं, और जो मतलब मेरे जैसा ही आपको बेसिक लेवल पे समझाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे रूट लेवल पे जाके आपको, तो वही एक बेस्ट फैकल्टीज आपके होंगे। इसका जो डेमो लेक्चर है आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, सबके लिए होगा डेमो लेक्चर, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप देखो डेमो लेक्चर देखो और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी क्वांट रीजनिंग जीके जीएस सब मैं लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और मेरा डेमो अगर चाहिए आपको तो अपना जो चैनल है निकोल से कंसेप्ट करना, उधर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी इसके बारे में, जो आपके क्लासेस है बेसिकली वीडियो लेक्चर चालू होने वाले आपके 25 दिसंबर क्रिसमस को चालू होने वाला है अपना, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम 2.0। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम आते हैं इस पे कि कैसे हम जाने वाले हैं, ठीक है, जस्ट ओवरव्यू दूंगा क्योंकि एक इस पे मैं सब रिवील नहीं करूंगा, बाकी जो चीजें हैं, ओके, तो वो सब प्लान में ही आएंगे और उधर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मतलब कैसे रहेगा आपका। तो मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास रहने वाला है और सैटरडे संडे आपको जो भी करना है वो मैं उधर ही बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास का शेड्यूल आपका इस तरह का होगा कि 5 दिन आपका क्लास होने वाला है। स्टार्टिंग में देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना है कि एआई का एटीसी भी हो या एओबी हो, दोनों के लिए आपको टारगेट जो है अपना मेरिट लिस्ट होगा, राइट, क्योंकि 355 टॉप T55 कैंडिडेट्स में अपने को आने ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो उसके लिए जो आपका टारगेट होगा वो अपना मेरिट लिस्ट ही होने वाला है कुछ भी करके, एंड आप मेरिट लिस्ट में आपको सिर्फ मैथ्स इंग्लिश एंड फिजिक्स ही ला सकते हैं, इसलिए इस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है बेसिकली ये तीन सब्जेक्ट पे खासकर, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया है कि हर एक सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है। इधर ऐसा कुछ नहीं 50 निकालो 60 निकालो हो गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरिट में टॉप 350 में हो तो सिलेक्शन, नहीं तो खत्म, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स इंग्लिश फिजिक्स पे बहुत मैक्सिमम फोकस हमने किया है जो अपना प्लान है वैसे, तो तीनों सब्जेक्ट को हम पैरेलल लेंगे, ठीक है। और इसके साथ मतलब आफ्टर 1 or 2 वीक अपना जीएजीके का तो रोज चालू रहेगा, ठीक है, वो उधर ही चालू रहेगा निकोल सर कंसेप्ट कॉर्नर पे, और जो इसके रिगार्डिंग पीडीएफ होगा वो मैं आपको ऐप पे दे दूंगा, ठीक है, मतलब जो हैंड रिटन नोट्स होगा वो सब। एंड क्वांट रीजनिंग का फिर मैं जस्ट इसमें ऐड कर दूंगा आपके 2 वीक के बाद, ठीक है, फर्स्ट इसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ
फिजिक्स मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, देन कॉन्ट रीजनिंग हम आराम से चालू करेंगे 2 वीक के बाद, क्योंकि एक साथ 5 सब्जेक्ट अगर होंगे तो आपका दिमाग भी फट जाएगा राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के जो बेसिक है उसको क्लियर करने में आपको 2 वीक लगेंगे अगर आप जीरो पे भी हो, अगर और आप सपोज एक लेवल पे हो, ग्रेजुएशन पे आपने अच्छे से किया है तो भी आपको मतलब 1 वीक तो लगेगा कंफर्टेबल होने में, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा टारगेट ये रहता है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ फिजिक्स मैथमेटिक्स के, आपके जो बेसिक है जो फैकल्टी अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे पूरा बेसिक आपका, ठीक है। तो एक बार वो हो गया, बाद में हम एक एक करके धीरे धीरे सब बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली प्लान रहेगा, मिनिमम 86 डेज का भी ड्यूरेशन है, ऑब्वियसली ये एग्जाम डेट जैसे आपका आगे जाएगा वैसे बढ़ेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली, ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं है कि एक फिक्स वैलिडिटी है वो खत्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है, इसको मतलब उस तरीके से मतलब ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है जो कि मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कौन ज्वाइन करें। तो फर्स्ट थिंग, आप बहुत ही सीरियस चाहिए मुझे इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपका सिर्फ जो डेडिकेटेड, तो फुल्ली आप डेडिकेटेड चाहिए AI के लिए ही, बाकी कोई मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी और एग्जाम में आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैं आपको परमिशन भी देता कि आप पैरेलली प्रिपेयर करो, बट ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट का सवाल है, इंटरव्यू का सवाल नहीं इसमें, इसलिए ऑब्वियसली सिर्फ AI अपना फोकस रहेगा एक एग्जाम, ठीक है। बाद में खुद पे कॉन्फिडेंस आपको रखो, ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस एंड मुझ पे फेथ, ये दो चीजें मुझे आपके पास चाहिए कि आप कर सकते हो भले ही कुछ भी हो, आप जीरो से भी हो, ठीक है। ये जो है मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली उनके लिए है जो जीरो से एकदम उनको कुछ पता भी नहीं है, उनके लिए बेसिकली बहुत ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि जीरो से हम लेके जाएंगे पूरे एक लेवल तक जो TCS का लेवल है बेसिकली उस तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डेस्परेशन चाहिए कि आपको अभी पता है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि ये मिनी जनता कंपनी है और विदाउट गेट है, तो दैट्स व्हाई एक डेस्परेशन चाहिए कि मुझे चाहिए, क्योंकि अगर वो डेस्परेशन होगा तो ही आप प्रॉपरली सब फॉलो कर पाएंगे, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको रूटीन दे रहा हूँ आपका, वो सब आप फॉलो कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सब आपने सब पढ़ लिया ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिलेक्शन में, ओके। तो एक ये अपना जो 60% है पार्ट ये पढ़ाई का है, और ये 40% है वो इसका है, तो इसको अपने को प्रॉपरली कंट्रोल करना है, ठीक है। और सभी चीजें जो है आपके एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, तो सबके पास तो नोट्स होता है, सब मतलब बुक्स अवेलेबल, तो सब पढ़ के ही सिलेक्शन लेके आते हैं राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थिंग आता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसका फीस क्या रहेगा बेसिकली, तो फीस आपका बहुत ही मैंने मिनिमम रखा है, ठीक है, पूरा, क्योंकि जो आप कंटेंट देख रहे हो उसके हिसाब से बहुत फी कम है, और ऑब्वियसली मैं इधर तक ही कम कर पाया उसको, क्योंकि इस ऑब्वियसली मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं तो अकेला होता तो ऑब्वियसली कम कर पाता, लेकिन 3 फैकल्टीज और है, तो दैट्स व्हाई फीस आपका 2000 है, बहुत कम फीस है, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है। और ये बेसिकली जो आपका प्रोग्राम है ये आपका वॉइस टेस्ट जो होगा उसके लिए भी है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट एग्जाम हो गया तो खत्म, वॉइस टेस्ट आपका जब तक ज्वाइनिंग नहीं आता तब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी उनका इंटरव्यू अगर लेंगे वॉइस टेस्ट की जगह इंटरव्यू लेंगे तो भी इंटरव्यू का अपना ये होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है, तो वो सब चीजें होंगी, इसलिए 86 आपका होगा 2000, AO का भी 2000 होगा, अगर आपको दोनों लेना है तो 2000 ही होगा, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं 4000 नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मुझे सेपरेट ये करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो या वेबसाइट पे बेसिकली सब मिल जाएगा, तो उधर एक मेल डाल दो कि मुझे दोनों के लिए लेना है, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ओके। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है अपना governmentjob.org, ओके सॉरी कॉम लग गया, ORG हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उधर आप जाओ प्रॉपरली देखो, सब चीजें उधर मेंशन है, ठीक है। ये तो जस्ट एक लिटिल ओवरव्यू था, उधर सब डिटेल में मेंशन है क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उधर जाओ, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है, और 25 तक आपका जो ऐप पे एक्सेस है वो आपका बन जाएगा, और बाद में आपको ये होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी इधर प्रॉब्लम आया रजिस्ट्रेशन में, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया है 9653, उस पर आपको मैसेज करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करना है, कर सकते हो, मेल आईडी कर सकते हो, ठीक है, इसमें अपना गवर्नमेंट जॉब के डिस्कशन फोरम है वेबसाइट पे, ठीक है, तो अगर कोई उस पर मैसेज करे मतलब टेक्स्ट करे तो भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है, तो सभी चीजों से मुझे मेरे तक आ जाएगा आपका पूरा मैसेज जो भी है, ओके। तो फाइनल वर्ड्स ये रहेंगे कि एक मिनी रत्ना कंपनी बहुत मुश्किल से आपका अपॉर्चुनिटी आता है उसके लिए, ठीक है, तो बिल्कुल मत जाने देना, बहुत सीरियस हो जाना इसके लिए, डेडिकेटेड हो जाना, एग्जाम बहुत सारे आएंगे लेकिन एक ही फोकस चाहिए, ठीक है। और आपका पता है आपको कि गेट का जो एग्जाम है आपको नहीं देना है, आपको एक्सपीरियंस की नींद नहीं, और इतना बड़ा सैलरी पैकेज आपको मिल रहा है बेसिकली, तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अभी एक ही बार आती है लाइफ में, इसलिए इसका प्रॉपर यूटिलाइज करो इसको,
एंड प्रिपरेशन के लिए भी इनफ टाइम है 90 डेज पकड़ के रखो, ठीक है 90 डेज इतना भी लगेगा नहीं अपने को, जस्ट प्रॉपरली हम करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस नहीं, पूरा फिल्ट्रेशन सब चीजें हो गई है, जैसा भी आपको देना है, आपको सिखाना है, आपको याद कराने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होंगी, ये आपका जो एआई का जर्नी है अपने साथ मेंटरशिप प्रोग्राम 2 में, तो बेसिकली ये आपको मिलेगा। अभी इसका जो पीडीएफ है, टेम्पलेट है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। एक बार पीडीएफ का टेम्पलेट देख लो, उसमें सब आपको चीजें मिल जाएंगी, जो फर्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम उसके रिव्यूज भी है, ओके मैं रिव्यूज नहीं बोलता, बट स्टिल आप अभी ये इधर पैटर्न बना दिया है मार्केट में, तो ऑब्वियसली ठीक है। तो सभी चीजें है उसमें, जस्ट प्रॉपरली देखो, वेबसाइट पे जाओ, सब चेक करो, कुछ डाउट है तो मैसेज करो एंड टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यस, कोई डाउट है अभी तो कमेंट करो, एंड यस एक्सपेक्ट एक दस देम, और इसके आगे भी वीडियोस अपने आएंगे कि जो बेसिकली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी, ऑब्वियसली मैंडेटरी नहीं है सबके लिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो उनके लिए कैसा वो कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके अभी एआई का स्पेसिफिक आएगा और सबके लिए, और एक है कि आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर से एआई के जितने भी अपने पास है अवेलेबल, ठीक है 6-7 है आई गेस, तो उसके जो वीडियोज है सोल्यूशन के साथ वो अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ठीक है। तो जो मेंटरशिप में होंगे वो भी देखेंगे ऑब्वियसली, और बाकी भी देखेंगे, ओके। तो इतना एक अनाउंसमेंट आपके लिए है, और बाकी भी सैटरडे वीडियो में बात करेंगे एआई के रिलेटेड। तो आई होप कि सब आपके डाउट क्लियर होंगे क्लास के रिलेटेड, आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में, तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, एंड यस अभी स्टार्ट करना है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि 25 से अपना जर्नी जो है वो एकदम अच्छे से हम चालू करेंगे, पूरा डेडिकेटेड होके, आगे के 6 मंथ बस मेरे हाथ में दे दो, फिर देखते क्या होता है, राइट। तो कुछ डाउट है तो मैसेज करो, ऑल द बेस्ट।